नमस्कार, बड़ी खबर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जहां मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। वैक्सीनेशन को लेकर 2,12,85,000 टीके यहां कल लग चुके हैं। आपको बता दें कि कल दूसरा फेज वैक्सीनेशन का शुरू हुआ था और 3 जुलाई को भी वैक्सीनेशन महाअभियान एक बार फिर से यहां पर आगाज किया जाएगा, जिसके चलते कल 1 जुलाई मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रचा। 2,12,85,000 टीके लग चुके हैं और मध्य प्रदेश में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 पर रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश ने एक बार फिर नया वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रचा है, इतिहास के पन्नों में एक बार फिर अपना नाम दर्ज किया है, जहां 2,12,85,000 टीके यहां लग चुके हैं और एक बार फिर मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 आया। तो वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा टीके लगे हैं, 52 जिलों में इंदौर टॉप पर रहा है और ऐसे में लगातार यहां पर इतिहास रचे जा रहे हैं, जिसको लेकर वैक्सीनेशन महाअभियान किया जा रहा है। 1 और 3 जुलाई को दूसरे फेज का महाअभियान का आगाज यहां शुरू हो चुका है और ऐसे में 3 जुलाई को एक बार फिर टीके लग रहे हैं, जिसका जो लक्ष्य है वो 10 लाख का यहां पर सेट किया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर नया आयाम रचा है, 2,12,85,000 टीके लग चुके हैं, इंदौर एक बार फिर टॉप पर रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के मामले में अपना स्थान नंबर 1 पर कर लिया है। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता कृष्णा द्विवेदी जुड़ गए हैं। कृष्णा, एक बार फिर मध्य प्रदेश में नया आयाम रचा, जहां वैक्सीनेशन के महाअभियान में 10 लाख का टारगेट जो सेट किया गया था उसमें 12 लाख से ज्यादा की डोज लगी है। अब 3 जुलाई को एक बार फिर यहां पर वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज, तो कल किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती हैं? बिल्कुल रितू, जिस तरीके से पहले चरण में जो वैक्सीनेशन का महाअभियान का पहला चरण था उसमें जिस तरीके से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था और मध्य प्रदेश ने एक पूरे देश में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था वैक्सीनेशन को लेकर, और उसके बाद फिर जो दूसरा चरण जब 1 जुलाई से शुरू हुआ, इसमें भी 10 लाख का टारगेट रखा गया था जिसमें 12 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई, और अब 3 जुलाई को तीसरा चरण है। तो इसमें मध्य प्रदेश अव्वल आने वाला है, क्योंकि जो प्रदेश के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान, उनकी एक अपील लोगों से ज्यादा लगवाने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन ही एक सहारा है कोरोना से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसको इस अपील का लोगों पर जादू हुआ है, इस अपील का लोगों पर असर हुआ है और उसी का ये नतीजा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए घरों से निकले और मध्य प्रदेश वैक्सीन लगवाने के मामले में अव्वल आया है। ऋतु, तीसरी जो फेज है, तीसरे फेज में भी इसी तरीके की तस्वीरें आएंगी और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि तीसरे चरण में भी इसी तरीके का वैक्सीन हो सकता है, वैक्सीनेशन 3 जुलाई। बिल्कुल कृष्णा, लेकिन अगर यहाँ पर तीसरे चरण में भी अगर जिस तरह से टारगेट सरकार की तरफ से 10 लाख का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है, अगर वही तस्वीरें एक बार फिर निकल कर सामने आती है, एक नया आयाम तो यहाँ मध्य प्रदेश रचेगा, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन महाअभियान क्या सुचारू रूप से जारी किया जाएगा? देखिए ऋतु, जिस तरीके से ये दूसरा अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ और 3 जुलाई को भी वैक्सीनेशन होना है, तो निश्चित तौर पर इस नया मुझे लगता है कि ये फिर से बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन होगा और लोग फिर से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ये मध्य प्रदेश के लिए काफी राहत की बात होगी, बड़ी अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन का जिस तरीके से महाअभियान चल रहा है, ये महाअभियान फिर भले न चले लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाने का जो सिलसिला है, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स में, अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि वैक्सीन ही एक बचाव है और वैक्सीन लगवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना भागीदारी देंगे। बिल्कुल, वैक्सीन ही बचाव है और उसी तर्ज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस अभियान का आगाज कर रहे हैं। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश ने एक बार फिर नया आयाम यहां रचा है, इतिहास के पन्नों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का नाम दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश ने
एक दिन में यानी 1 जुलाई जो वैक्सीनेशन महाअभियान था उसमें वैक्सीनेशन के मामले में एक बार फिर रिकॉर्ड दर्ज किया, जहां 2,12,85,000 टीके लग चुके हैं और इंदौर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन को लेकर मामले सामने आए, जहां लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।